नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाए जाने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए करेगा कार्य। भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल थल और वायुसेना अलर्ट, बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए अलर्ट रहने के आदेश। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना ने बढ़ाई चौकसी। गलवान घाटी में चीन के दांत खट्टे करने वाले शहीदों को सलाम, गम और गुस्से के बीच शहीदों को दी अंतिम विदाई, अपने लाल की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। भाजपा ने सभी वर्चुअल रैलियों को किया स्थगित, अगले दो दिन तक नहीं होगी कोई वर्चुअल रैली। भारत चीन विवाद में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी जानकारी। भारत चीन सीमा पर झड़प का मामला, शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में राहुल गांधी नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। 19 जून को है सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, केंद्र सरकार से की चीन के सभी सामानों के बहिष्कार की मांग, कहा रेस्टोरेंट में चीनी खाने पर बिक्री पर लगी रोक, लोग खुद भी चीनी समाज का बहिष्कार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए की 41 कोयला ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत, पीएम ने कहा 130 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना ही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महला के पास आईईडी धमाका, नक्सली और बीएसएफ जवानों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान हुआ आईईडी धमाका, इस धमाके के बीच कोई भी हताहत नहीं, तलाशी अभियान जारी। सोना सस्ता, चांदी में तेजी, 24 कैरेट शुद्ध सोने में प्रति 10 ग्राम 50 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट शुद्ध सोना प्रति 10 ग्राम 300 रुपए की तेजी। दुनियाभर में कोरोना का कोहराम जारी, 84 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या, तो करीब 4.5 लाख मरीजों ने तोड़ा दम, 44 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। भारत में भी कोरोना का कहर लगातार जारी, संक्रमितों की संख्या 3,66,000 के पार, तो वहीं 12,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान, 2 लाख के करीब मरीज हुए स्वस्थ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओडिशा में 23 जून से शुरू हो रही है पुरी की सालाना जगन्नाथ यात्रा पर लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता ग्राफ, राजस्थान में 84 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले आज भी सामने आए, कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या 13,626, राजस्थान में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 323। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान कल, राजस्थान विधानसभा में होगा मतदान, 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूर्ण, विधानसभा में मतदान और मतगणना स्थल पर मीडिया पर रहेगी रोक। राज्यसभा चुनाव 2020 का रन, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के शिविर का आखिरी दिन, वोटिंग से पहले विधायकों से करवाई जाएगी मॉक पोलिंग, होटल से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे विधायक। राजस्थान में राजस्थान चुनाव करण, होटल जेडब्ल्यू मैरिज बना कांग्रेस की रणनीति का केंद्र, निर्दलीय विधायकों से डिप्टी सीएम ने की मुलाकात, सभी निर्दलीय विधायकों के साथ हुई पायलट की बैठक। भाजपा आरएलपी विधायक दल के कैंप का तीसरा दिन, कैंप में कई सत्रों का आयोजन, केंद्रीय पर्यवेक्षक मुरलीधर राव ने किया संबोधित, आत्मनिर्भर भारत अभियान की दी जानकारी। राजस्थान में 47.8 डिग्री तापमान, दिल्ली समेत कई राज्यों में 4 दिन पहले पहुंचेगा मॉनसून, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना। सीएम अशोक गहलोत ने दिए पीएम मोदी को सुझाव, आर्थिक संकट से उबरने में मददगार होंगे सुझाव, जरूरतमंद परिवारों को दिया जाए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, गुरुवार को हुई गणित विषय की परीक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान। सीएम अशोक गहलोत ने दी बोर्ड परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, कहा सभी हो सफल, परीक्षा देते समय मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना ना भूलें। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट में लिखा, रानी लक्ष्मीबाई को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और विनम्र प्रणाम, बहादुरी और देशभक्ति की प्रतीक थी रानी लक्ष्मीबाई।
प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान 21 जून से 30 जून तक चलेगा। अभियान को लेकर जीआईपीआर कमिश्नर महेंद्र सोनी ने ली वीसी। सभी जिला पीआरओ को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सूचना और जनसंपर्क विभाग को मिली प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी। राजस्थान सचिवालय के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मिलेगा वेतन। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। 3 महीने से अटका हुआ था वेतन। कंप्यूटर ऑपरेटर्स कई दफा कर चुके हैं विरोध। श्रम सचिव नीरज के पवन से मिलने के बाद हुआ समाधान। दिल्ली के रोहिणी कोच में लगी भीषण आग। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 315 में लगी आग। तीसरी मंजिल पर है रिकॉर्ड रूम। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा। मलबे में दबकर मजदूर की दर्दनाक मौत। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर। कैंटर और कार में भीषण भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के अबंती बायनगर में पति पत्नी के संदिग्ध अवस्था घर में मिले शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में दोनों के शवों को कराया गया पोस्टमार्टम। यूपी के हरिद्वार में स्थानीय लोगों ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। चीन के खिलाफ की नारेबाजी। चीनी सामान का बहिष्कार करने का किया आह्वान। स्टेट क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 तस्कर चढ़े क्राइम ब्रांच के हत्या। आरोपियों से 1 क्विंटल 72 किलो गांजा बरामद। भीलवाड़ा में प्रतापनगर पुलिस की कार्रवाई। 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 4,25,000 रूपये बरामद। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 क्विंटल डोडा चूरा बरामद। सिरोही में फिल्मी अंदाज में लुटेरे कार लेकर फरार। बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने करवाई नाकाबंदी। डूंगरपुर के झालरी गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बारिश के चलते तिरपाल बांधते समय हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में टैंकर के ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर के बाद डामर हाईवे पर फैला। सड़क पर से गुजर रहे 2 बाइक सवार फिसले। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रीकरणपुर में डिग्गी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। ग्रामीणों ने शव को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। पुलिस की मामले की जांच में। जालौर के खारा गांव में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला। सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। अजमेर में नगर निगम ने गुलाब बाटी फाटक के आगे किया अतिक्रमण को लेकर की कार्रवाई। टीम ने पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया। मौके पर पुलिस जाब्ता रहा तैनात। भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ झाला। सरकारी कर्मचारियों ने उठाया योजना का लाभ। राज्य सरकार ने 152 कर्मचारियों को जारी किए नोटिस। अब तक 20 कर्मचारियों से वसूला जुर्माना। कोटा में बिजली के बिल माफ करने की मांग। भाजयुमो कार्यकर्ता ने किया जल सत्याग्रह। बिजली माफ बिल माफ नहीं करने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। बिजली के 3 माह के बिल एक साथ आने और उसको माफ करने की मांग को लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पार्षद के खिलाफ साथ लेकर वैशाली नगर में टाटा पावर हाउस पर मौन व्रत रखा और विरोध किया। बिल माफी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जयपुर में प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का मामला। संविदा पर कार्य कर रहे लैब टेक्नीशियंस ने किया विरोध। मेडिकल कॉलेज के बाहर बूट पॉलिश कर जताया विरोध। जयपुर के बगरू में कोरोना का प्रकोप जारी। नेवटा गांव में मिली कोरोना पॉजिटिव युवती। पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को किया सील तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने खंगाली ट्रैवल हिस्ट्री। बूंदी के जेसीआई संस्थान स्कूल के विद्यार्थियों को बांटे मास्क और हैंड ग्लव्स। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी शुरू। कोरोना को लेकर किया जागरूक। चौमू में पानी बचाओ अभियान की उड़ी धज्जियां। सड़क पर व्यर्थ बह रहा है लाखों लीटर पानी। कई कॉलोनियों में नहीं हो रही है पेयजल आपूर्ति। ठेकेदार बरत रहे लापरवाही। मौन है जिम्मेदार अधिकारी। गलवान में भारतीय जवानों के शहीद होने का मामला। अजमेर के बांदरवाड़ा कस्बे में सौर समाज ने दी श्रद्धांजलि। चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नसीराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। भारतीय जवानों को दी श्रद्धांजलि। शाहबाद में युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीन की हरकत को बताया शर्मनाक। चीनी माल का बहिष्कार करने की मांग। अजमेर के नसीराबाद विधानसभा इलाके में टिड्डियों का आतंक। कपास की फसल को पहुंचाया नुकसान। किसानों ने थाली बचाकर टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास। टोंक में टिड्डी दल के आने से मचा हड़कंप। फसलों को पहुंचाया नुकसान। किसानों ने ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया।
राजसमंद जिले के कुवारिया तहसील के लापसिया ग्राम पंचायत के रामपुरिया तालाब में कार्य कर रहे 18 मनरेगा श्रमिकों को अधिकारियों ने अनुपस्थित बता दिया। इसमें रोष जताते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बारा के नयापुरा वार्ड में गंदगी से परेशान लोग, नगर परिषद के सभापति की लापरवाही आई सामने, स्थानीय लोगों में आक्रोश। पाली के देसुरी में गरिमा अभियान के तहत मास्क के वितरित, महिला का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा श्रमिकों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। जयपुर के पावटा में श्रीकृष्ण गौशाला में गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गायों को खिलाया गुड़ और चारा। झालावाड़ के खानपुर में तेज अंधड़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, विद्युत सप्लाई हुई ठप, कई मकानों की उड़े टीन शेड। जैसलमेर के पोखरण में चिकित्सा कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य का बहिष्कार, बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर और फार्मासिस्ट को एपीओ करने का विरोध, काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अजमेर के बांदरवाला में गर्मी के तीखे तेवर, लू के थपेड़ों ने हाल किया बेहाल, गर्मी से बचने के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। जयपुर के जमवारामगढ़ में वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, महाराणा प्रताप नवयुवक मंडल की ओर से शहादत को किया सलाम। धौलपुर के सरबथुरा बरौली गांव में युवक का मिला शव, परिजनों ने हत्या का कराया लगाया आरोप, पुलिस जुटी मामले की जांच में। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।